हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने वाले हैं बेक्ड पास्ता इन डिफरेंट स्टाइल। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम अपने पास्ता को बॉईल कर लेंगे। इसके लिए मैंने एक कुकर में पानी लिया है, उसमें थोड़ा सॉल्ट डाला है और एक कप पास्ता ऐड किया है। अब हम इसको प्रेशर कुक कर लेंगे, हमें एक सीटी लेना है। अब हम एक पैन में 1 टेबलस्पून बटर लेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून गार्लिक ऐड करेंगे। अब हम गार्लिक को गोल्डन ब्राउन होने तक कुक कर लेंगे। अब मैंने इसमें 1/2 कप कैप्सिकम एंड 1/2 कप कॉर्न ऐड किया है। हम हाई फ्लेम पर इसे फ्राई कर लेंगे। हमें इसको हल्का सा रोस्ट करना है बस। मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है, 1/2 टीस्पून पीरी पीरी मसाला एंड ऑरिगैनो। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारे वेजिटेबल्स रेडी हैं। अब हम एक पैन में 2 टेबलस्पून बटर लेंगे। ये हमारा बटर मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे और इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। मैदा को हमें अच्छे से लाइट ब्राउन होने तक कुक करना है। अब हम इसमें अराउंड 2 कप मिल्क ऐड कर देंगे और इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे जिससे कोई लम्स ना आ जाए। अब हम इसमें 1 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक एंड 3 टेबलस्पून क्रीम ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, ये हमारा सॉस थिक हो गया है। अब हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड कर देंगे। अब हम इसमें 1 कप चीज़ ऐड करेंगे। आप जो भी चीज़ ऐड करना चाहें कर सकते हैं। मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड किया है इसमें। अब हम इसमें पीरी पीरी मसाला एंड ऑरिगैनो ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको ऐड कर सकते हैं। पीरी पीरी डालने से इसका टेस्ट थोड़ा सा स्पाइसी हो जाता है। ये मैंने हॉट सॉस ऐड किया है, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी। हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें अपना पास्ता ऐड कर देंगे। इसे सॉस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम एक बेकिंग ट्रे में पास्ता को ट्रांसफ़र कर देंगे। अब इसके ऊपर हम ग्रेटेड चीज़ ऐड करेंगे। अगेन, आप चीज़ अपनी चॉइस का ऐड कर सकते हैं। अब मैंने ये 1 कप फ्रेश ब्रेड क्रम लिया है और इसमें अराउंड 1 टेबलस्पून बटर ऐड किया है। इसे अच्छे से मिक्स करके हम इसको कम्प्लीटली कवर कर देंगे। हम इसकी एक थिक लेयर बनाएंगे पास्ता के ऊपर, इस तरह से। अब इसके ऊपर आप अपनी चॉइस की सीजनिंग डाल सकते हैं। मैंने इसमें ऑरिगैनो एंड पीरी पीरी ऐड किया है और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला है। अब हम इसको प्री हीटेड ओवन में अराउंड 10 to 15 मिनट 180 डिग्री पर बेक करेंगे और जब तक कि इसका क्रस्ट गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये देखिए, ये बहुत अच्छे से कुक हो गया है। आप देख सकते हैं ऊपर कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। ये हमारा बेक्ड पास्ता रेडी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।